गुड मॉर्निंग नवोदय स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का रेखा चित्र बनाएंगे और उसको जल रंगों से ही प्रयोग करके उसके वास्तविक रूप में लाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ये हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल अपने आप में अद्भुत होता है। यह हमारे देश में लोगों ने रक्त शुद्धता के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी सुबह इसको खाते हैं। प्यारे बच्चों, इस फूल को रंग भरते समय जब हम जल रंग का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जिस भी कागज़ पर हम चित्र बना रहे हैं उसको दोनों तरफ से गीला कर लेते हैं। अब ये कागज़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप गीला कर रहे हैं पेपर को तो ये ध्यान रखें कि पेपर अच्छी क्वालिटी का हो, हैंडमेड पेपर हो, उसी को गीला कीजिए। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है जो सहज रूप से मिल रहा है पेपर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको दोनों तरफ से गीला करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये ध्यान रखिए जो पहले दिखाया गया ये रंग का एक चार्ट बना लेते हैं। इससे आपको सुविधा रहेगी कि किस रंग को मिलाने से किस तरह का रंग आता है। तो हमें अगर फूल को कलर करना है तो फूल से जुड़े हुए जितने भी रंग हैं उसको पहले ही जो प्रकृति में फूल खिला हुआ है उसको देखकर एक पेपर का टुकड़ा ले लेंगे और रंगों को मिलाकर एक चार्ट बना लेंगे कि फूल में जो कलर हैं वो किस तरह के हैं, उस तरह के कलर को मिक्स करके एक चार्ट बना लेंगे। तो जब हम कलर करने लगेंगे पेपर में तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें कौन से रंग को मिलाना है और किस जगह लगाना है। तो ऐसे करेंगे, कभी कभी रंग इधर उधर फैल जाते हैं तो हम टिश्यू पेपर का प्रयोग करके उन रंगों को हटा भी सकते हैं, पर कोशिश करना चाहिए कि इधर उधर फैले ना। बार बार टिश्यू पेपर का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं होता है, पेपर ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्यारे बच्चों, जब हम कलर करने बैठ रहे हैं उससे पहले जिस भी वस्तु को हम बना रहे हैं उसको बड़े सावधानी से देखें, उसकी ड्राइंग कर लें। तो जब इन चीज़ों को क्रियाओं को करेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि जो भी विषय हम पेंट कर रहे हैं या रंग बना रहे हैं या रंग भर रहे हैं तो किस रंगों को कहाँ भरना है हमें पहले से पता होता है। कल्पना से भी चित्र बनाया जा सकता है, लेकिन कल्पना हम उन्हीं चीज़ों का कर पाते हैं जिन्हें हम देखे रहते हैं, जिनके बारे में जानते रहते हैं। जिन चीज़ों को हमने कभी देखा नहीं उनकी कल्पना भी करनी मुश्किल होती है। अब देखिए, फूल में धीरे धीरे हम उसकी बारीकी को कलर करने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, और उसकी एक एक विशेषता और खूबी को निखारी जा रही है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है, और सबसे पहली बात ये भी है कि आप पेपर के जो पानी लगाए थे उसको सूखने दें थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा गाढ़ा कलर लगाएं। जैसे गहराई फूलों में छाया प्रकाश का प्रभाव रंगों के गहरेपन और हल्केपन से ही दिखाया जा सकता है। यहाँ पर पत्तियों के फूलों के उभार के दिखाने के लिए गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। आप भी जब कलर करेंगे तो इसी तरह प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर गहराई को दिखाने के लिए गाढ़े रंग का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप गाढ़े रंगों का प्रयोग करेंगे और इससे छाया प्रकाश का भी प्रभाव उभर आता है। तो
देखिए आप भी जब कलर करेंगे तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अब काले रंगों से पंखुड़ियों के उभार को दिखाया जा रहा है। आप इन चीज़ों को तभी कर पाएंगे जब फूल को बारीकी से जिस भी चीज़ को बना रहे हैं या फिर जिस भी फूल को बना रहे हैं उसका बड़े बारीकी से आपने अध्ययन किया है। और अध्ययन करने का मतलब यहाँ ड्राइंग बनाने से है। आप जितनी बार जिस वस्तु की ड्राइंग को बनाएंगे देखकर आपके अध्ययन की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। अगर आपने उन चीज़ों को देखकर कभी ड्रॉ नहीं किया है तो इन बारीकियों को आप नहीं पकड़ पाते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। एकाएक कोई भी बड़ा आर्टिस्ट या कलाकार नहीं बन सकता जब तक वो चीज़ों का अध्ययन न करे। देखिए यहाँ पर कहाँ धूप पड़ रहा है, कहाँ पत्तियों में मुड़ाव है, कहाँ पर फैलाव है, ये रंगों के माध्यम से ही दिखाया गया है। और ये जब तक आप फूल को अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, उसकी ड्राइंग को बनाएंगे नहीं, आप कर नहीं सकते हैं। तो आप ही हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से चीज़ों को देखेंगे, उसकी ड्राइंग्स बनाएंगे और रंग भरने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले की कक्षाओं में ही आपको कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और बनाने का प्रयास किया। यहां पर लाइव पेंटिंग का मैं भेज रहा हूं ताकि आपको एक एक बारीकी कैसे निकाली जा रही है उसको आसानी से देख सकें, समझ सकें और कर सकें। से आप अगर आप इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को निकालते जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को बना लेते हैं, बना लेंगे और बड़ी आपको आप अंतरात्मा में खुशी होगी। कुछ देर के लिए अपने आप को खुद ही सृष्टिकर्ता समझने लगेंगे कि मैंने आज एक अद्भुत फूल की रचना की और खुशी महसूस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ छात्र छात्राओं कि आप लोग इसे देखकर इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और रंग भरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।